नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भीषण धमाका हुआ है। धमाका सेंट्रल बैंकॉक में इरावन मंदिर के बाहर हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग, लगभग 20 लोग अभी तक जख्मी बताए जा रहे हैं। जिस वक्त ये धमाका हुआ, मंदिर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी। पुलिस के मुताबिक एक बाइक में ब्लास्ट हुआ। अब तक किसी ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। चश्मदीदों के मुताबिक जिस जगह पर धमाका हुआ, वहां चारों तरफ ब्लास्ट में मारे गए लोगों के शरीर के हिस्से बिखर गए। इरावन मंदिर बैंकॉक का एक बहुत मशहूर मंदिर है। यहां भगवान ब्रह्मा के थाई रूप की प्रतिमा है। मंदिर के ठीक पास एक मशहूर 5-स्टार होटल भी है और वहीं पर यह धमाका हुआ है। वहीं की स्टिल तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, और ये देखिए तस्वीरें वहां की। भारी अफरा तफरी फौरन धमाके के बाद, पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद ताकि घायलों को फौरन इलाज के लिए ले जाया जाए। ये देखिए तस्वीरें, उसी सड़क में ये धमाका हुआ है और ये धमाका आप देख सकते हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है जाहिर तौर पर, जिनमें ये धमाका दिख रहा है। और उसके बाद की अफरा तफरी की तस्वीरें देखिए, लोग भागते हुए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं सड़क पर इस तरह से, ये देखिए। और ये अचानक धमाका, और इस धमाके के बाद वहां पर लोग भागते हुए। महा से देखिए हमारे साथ, हमारी सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रही हैं। महा, किस तरह की जानकारी मिली है? जाहिर तौर पर अभी शुरुआती जानकारी ही पहुंच पा रही होगी, लेकिन किस तरह की जानकारी इन धमाकों के बारे में? जो जानकारी अभी मिली है उसके मुताबिक ये धमाका 7 बजे शाम को थाईलैंड टाइम पर हुआ था, और ये बहुत ही कमर्शियल एरिया है जहाँ बहुत पर्यटक भी आते हैं। जैसा कि आपने खुद बताया अंजना कि वहाँ पर एक बड़ा 5-स्टार होटल है, पास ही में 2 बड़े मॉल्स भी हैं जहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं। आप खुद जानती हैं बैंकॉक बहुत सारे लोग सिर्फ शॉपिंग करने जाते हैं। यहाँ पे 2 बहुत बड़े मॉल्स भी हैं, इरावन मंदिर है जहाँ की उस वक्त ये जानकारी आ रही है कि काफ़ी लोग मौजूद थे। ये ब्रह्मा का मंदिर है जहाँ पे बहुत सारे चाइनीज पर्यटक भी आते हैं, चीनी लोग भी आते हैं। उस वक्त काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, और ये जो इंटरसेक्शन है रपाचटोंग इंटरसेक्शन जो है, ये एक बहुत ही कमर्शियल एरिया है जहाँ पे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहाँ पर बम धमाका हुआ। आई विटनेसेस के हिसाब से यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था, वहाँ अफरा तफरी थी, मोटर बाइक्स जली हुई नजर आई बहुत सारी, और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स, लोगों के अंग वहाँ पे बिखरे हुए थे। 12 लोग इस हादसे में मर चुके हैं अभी तक, और जो हमें जानकारी आ रही है कि 20 लोग बहुत बुरी तरह गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको फटाफट अस्पताल ले जाया गया है, फौरन अस्पताल के लिए इलाज के लिए घायलों को ले जाया गया है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहाँ। ये पूरा जो इलाका है, ब्रह्मा का एक अवतार है जिसकी पूजा इस मंदिर में होती है, दूसरी तरफ एक 5-स्टार होटल, भीड़ भाड़ा वाला इलाका। अभी ये कहना मुमकिन नहीं है कि किन वजहों से ये धमाका किया गया है, लेकिन अगर जानबूझकर किया गया है तो कोशिश यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। एक भीड़ भाड़ वाले व्यावसायिक इलाके को चुना गया है, मंदिर भी करीब में, 5-स्टार होटल भी करीब में, टूरिस्ट भी भारी तादाद में हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं वहाँ। जी हाँ बिल्कुल, रचा प्रसोंग इंटरसेक्शन जो है वहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं, 2 मॉल्स बड़े मॉल्स हैं जहाँ पे लोग ख़रीदारी करने आते हैं। यहाँ पे एक मंदिर है, इरावन मंदिर जो ब्रह्मा का मंदिर है, जहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीनी लोगों के साथ, चीनी पर्यटकों के साथ भी बहुत पॉपुलर है, वहाँ काफ़ी लोग आते हैं। वक्त ऐसा है 7 बजे का बैंकॉक टाइम, जहाँ पे काफ़ी लोग उस वक्त मौजूद होंगे, ना सिर्फ ख़रीदारी करने लेकिन मंदिर के पास भी जहाँ पे ये धमाका का हुआ। जो हमें इनिशियल रिपोर्ट से पता चल रहा है अंजना कि ये जो बम था वो एक मोटरसाइकिल पे था, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें हमें बिल्कुल जली हुई मोटरसाइकिल्स और भी नज़र आ रही हैं। लोग कह रहे थे कि जैसे ही धमाका हुआ एकदम अफरा तफरी मच गई, काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे, लोग इधर उधर भागने लगे। पहले भी यहाँ पर अटैक हो चुका है, जो पहले अटैक हुआ था वो ऐसा कहा जाता था कि इजरायली पर्यटकों को मद्देनज़र देखकर अटैक हुआ था। इस बार के अटैक के बारे में अभी तक कोई ये नहीं बता पा रहा कि किसको टारगेट किया गया, बहुत जल्दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, महा से देखिए हमारे सहयोगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा इस तमाम जानकारी के लिए। आइए जरा पूरा ये इलाका आपको समझाते हैं। पहले तो इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, सड़क पे लोग गुजरते हुए, अचानक धमाका और धमाके के बाद अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागते हैं। ये शुरू की तस्वीरें हैं, लोग शाम के इस पहर में जिस तरह से जाते हैं, अचानक धमाका होता है। इरावन मंदिर के बाहर ये धमाका हुआ है। बैंकॉक में ये एक मशहूर मंदिर है, पास में ही 2 मॉल भी हैं, एक 5-स्टार होटल भी है, और ये बेहद
भीड़भाड़ वाला इलाका। भगवान ब्रह्मा के थाई रूप की प्रतिमा इस इरावन मंदिर में है। 1956 में बनकर तैयार हुआ था ये इरावन मंदिर और उसी के बाहर ये धमाका हुआ है।